चलिए अब आपको सीधा चौकसू ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जय किशन जी नारेलिया, केदार शर्मा जी, मदन चौधरी जी, दौलत मीणा जी, लल्लू लाल जी कुमावत, कैलाश शर्मा जी, रामेश्वर रामेश्वर जी, नाथुराम सैनी, हरिओम मेहर जी, कविता गुजर जी, बवनलाल जी गुजर, शंकरलाल जी गुजर, हजारीलाल जी और रंजीत सैनी जी, सुमन मीणा जी, सीताराम जी मीणा, तमाम हमारे उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, थोड़ा भाई आप कैमरा वाले इधर जाओ तो देखो लोग पीछे क्या कह रहे हैं आपको। बैठ जाइए आराम से बात करें, नीचे हो जाओ, आप नीचे हो जाओ। मुझे खुशी है कि आप लोग चाक्षु में यहाँ इकट्ठे हुए गर्मी के अंदर भी, और आप सबको मालूम है कि जो हमारे उम्मीदवार है सविता मीणा जी, उनको कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने हम सबकी सलाह पर, इसलिए नहीं वो मुरारी लाल मीणा की पत्नी है, वो तो एक बात है, पर सब बातें सोच करके कि अगर सविता मीणा जी खड़ी होंगी उम्मीदवार के रूप में तो यहाँ की जनता उनको अवश्य कामयाब करेगी, तो सबकी राय से उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और राहुल गांधी जी, आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि आप लोग कोई कमी नहीं रखेंगे, एक तरफ इतनी महिलाएं हमारी बहनें माताएं आई हुई है, आप लोग सब बैठे हुए हो, हम सब आपसे एक गुजारिश करने आए हैं, कृपा करके आप इस चुनाव में भारी मतदान करें, कांग्रेस के हाथ के निशान पर, जो इंदिरा गांधी हमारे बीच नहीं रही, जो महान नेता थी हमारी, प्रधानमंत्री थी, जिसने देश के लिए जान दे दी, शहीद हो गई, उन्होंने हाथ का निशान दिया हमें, उसका बटन दबा करके आप भारी बहुमत से कामयाब करें। आप सब जानते हैं कि हम कह सकते हैं आपको सविता मीणा जी को आप कामयाब करेंगे, चुनाव के बाद में भी एक तरफ वो आपके बीच में आती जाती रहेंगी, आपके सुख दुख में भागीदार बनेगी, विकास के लिए संघर्ष करेगी दिल्ली के अंदर भी, और फिर आपकी सरकार यहाँ पर है राजस्थान में, अभी 3 महीने हुए हैं, 4.5 साल तक काम करना है। वे सोलंकी जी को आपने कामयाब किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक तरफ वे सोलंकी हो गया तो कड़ियाँ जुड़नी जरूरी होती है, एक कड़ी सोलंकी हो गया, दूसरी कड़ी सविता मीणा होगी पार्लियामेंट में, तो ज़्यादा काम हो सकेंगे, आपके विकास ज़्यादा होंगे, आपके सुख दुख में लोग मिलकर काम करेंगे, और सरकार जब आपकी है राजस्थान में 4.5 साल तक काम करेगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सविता मीणा वेद सोलंकी जो भी काम हमें कहेंगे, मैं काम को करने में कोई कंजूसी नहीं करूँगा, ये मैं कह सकता हूँ। अभी मुझे वे सोलंकी कह रहे थे बार बार, जब से हेलीपैड में आया हूँ तब से कह रहे कॉलेज 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 खोलनी चाहिए, तो वे सोलंकी जी को आपने पता नहीं क्या क्या आपने इनसे बातें की होगी, इनके दिमाग में कॉलेज बात बैठी हुई है, अभी कॉलेजेस कोई खुली नहीं है, पिछली बार हमने कॉलेज खोली थी तो नई गवर्नमेंट आते ही कॉलेज को बंद कर दिया था, तो जब कॉलेज खोलने लगेगी तब चाक्षु का हम विशेष ध्यान रखेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। वे सोलंकी खुद भी सोशल वर्कर भी है, ये आपके बीच में रहता भी है, एक बार कामयाब नहीं हुआ, दूसरी बार टिकट कट गया, तब भी ये बराबर आता जाता रहा, इस कारण से आपने इस बार इनको कामयाब किया, तो आप समझ गए ये आदमी आपके बीच में रहने वाला आदमी है, ऐसा आदमी आपके लिए काम करवा सकता है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, आपका एक वोट जो सरकार बनी अभी हमारी, उस सरकार को भी मजबूती प्रदान करेगा, ये मैं आपको कहने के लिए विशेष आया हूं।
कि लोकतंत्र में ही होता है, लोग क्या चाहते हैं। ये लोकतंत्र वोटों का राज दिया हुआ कांग्रेस का ही है देश को। कांग्रेस ने आजादी के वक्त से ही जिस रूप में आप देख रहे हैं कि 70 साल हो गए, 70 साल में ये वोटों का राज अपने यहां कायम रहा है, जिसमें आप फैसला करते हो कौन पार्टी सरकार बनाए, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन एमपी बने, कौन एमएलए बने, कौन गांव का सरपंच बने या प्रधान बने। और 70 साल ही अपने यहां पर कायम है। दुनिया भर के देशों को आश्चर्य होता है, हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहां 130 करोड़ की आबादी है, वहां पर 70 साल से ये मुल्क एक रहा है, अखंड रहा है। रशिया जैसा मुल्क रूस 16 टुकड़े हो गए उसके खुद के, जो मार सकती थी दुनिया की, हमारी इमदाद वो करते थे, उनके खुद के 16 टुकड़े हो गए। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, राजीव गांधी शहीद हो गए, न खालिस्तान बनने दिया और बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। 93,000 सैनिकों को, उनके जनरल मेजर कर्नल सबको बंदी बना दिया हथियारों सहित। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो मान नेता इंदिरा गांधी थी जो आज हमारे बीच नहीं रही, पर मरने के पहले उन्होंने कहा था उड़ीसा के अंदर 2 दिन पहले ही कि मेरी जान जा सकती है, जिसकी मैं परवाह नहीं करती हूं, पर अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। अब आप सोच सकते हो, अरे भाई बोलने दो ना, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा त्याग करना किसे कहते हैं। एक तरफ वो पार्टी है जिसने देश को आजाद करवाया, आजादी के बाद में देश के सबको साथ लेके चली है, इसलिए आज एक अखंड है हम लोग। अलग अलग जाति हैं, अलग धर्म, अलग बोली हैं, अलग भाषाएं हैं देश के अंदर। जो जो कहती है वो करती है। आज पूरे मुल्क में जो जाल बिछा हुआ है, इस चाकू क्या था 70 साल पहले, जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं उनको मालूम है। सड़क थी यहाँ पर, बिजली थी, पानी था, स्कूलें थी, साफ सफाई थी, क्या था यहाँ पर। देश में क्या था, जयपुर में क्या था, कहाँ से काम पहुंचे हैं। बिना बिजली का काम नहीं चलता है, और पहले बिजली को लोग समझते नहीं थे। सब कुछ हुआ देश के अंदर, मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट आ गए, कंप्यूटर आ गए। आज हम मार शक्ति के रूप में उभर के आए देश के, दुनिया के सामने। चांद तक पहुंच गए हमारे लोग। आपको याद है जब इंदिरा गांधी जिंदा थी तो चांद पे गया था राकेश शर्मा, चांद पर। इंदिरा गांधी नीचे से बात करी उससे, वायरलेस से, कि राकेश शर्मा ये बताओ तुम्हें वहां से हिंदुस्तान कैसे दिखाई देता है। उसने क्या कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो क्या ये मोदी जी जो बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, फिर तो मोदी जी चांद पे आपने भेजा था क्या, उस वक्त उपग्रह आपने छोड़वाया क्या, बांग्लादेश आपने आजाद करवाया था क्या, इंदिरा गांधी जान चली गई खालिस्तान नहीं बनने दिया तो क्या, उस वक्त में आप क्या कर रहे थे। तो जुमला बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, काला धन लेके आऊंगा, नौकरी लगाऊंगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष महंगाई कम कर दूंगा, इतने वादे किए हैं, कोई वादा पूरा नहीं करते। वो गंगा की सफाई हो गई, गंगा की सफाई कितने झूठे वादे करोगे। बुलेट ट्रेन चलेगी, 2 घंटे में पहुंच जाएगी बॉम्बे। बुलेट ट्रेन के कोच बने हैं हिंदुस्तान में कहीं, ऐसा प्रधानमंत्री मैंने देखा नहीं जो इस प्रकार की बातें करते हो। बोलने में बड़े उस्ताद हैं, बोलने में बड़े उस्ताद हैं। आप देखते हो टीवी के अंदर क्या क्या बोलते हैं। वो बोलना एक बात है, बोलने से पेट नहीं भरता है, बोलने से नौकरी नहीं लगती है, बोलने से विकास नहीं होता है। खाली बोलने से क्या हो, क्या अच्छा बोलते हैं, उनके दिल में क्या है आप जानते हो।
कि बोलना नहीं जानते हैं पर उनका दिल साफ भी होता है, सफाई की बात करते हैं, बच्चे नहीं होते स्कूल के अंदर, सब तरह के होते हैं। तो जिस रूप में अच्छा वक्ता होना सब कुछ नहीं है, आपके दिलो दिमाग में क्या है वो मायने रखता है। प्रधानमंत्री वो होता है जो बोलता है तो 130 करोड़ लोग जो है देश के उनको दिल को छूने वाली बात होनी चाहिए, अच्छे बोले प्रधानमंत्री। तो असत्य बोलने वाला अच्छा क्या बोल सकते हैं। आज चुनाव में आके बात करनी चाहिए, किसानों के लिए बात करनी चाहिए, कब किसानों कर्जे माफ करेंगे, किसानों के लिए हम लोग उनकी इनकम बढ़ा देंगे जो पहले वादे कर लिए कुछ हुआ नहीं, उनका विजन क्या देश के लिए, किसान मजदूर महिलाएं नौजवान छात्र उनका विजन क्या है देश के विकास के लिए, उसकी बात नहीं करेंगे धर्म के नाम पर, राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे। हम राष्ट्रभक्त नहीं है क्या बैठे लोग, हमारी राष्ट्रभक्ति कोई कम है क्या किसी से? आप इस प्रकार सेना का नाम लेके चुनाव जीतना चाहते हो, राष्ट्रभक्ति के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हो, पूरा मुल्क में जो बैठे हम लोग हैं वो तमाम लोग राष्ट्रभक्त हैं, आप इस प्रकार से बात करके क्या कहना चाहते हो? तो मैं आपको निवेदन करूंगा, सरकार हमारी बनी, कर्जा माफ किया हमने बैंकों के, सीसी बैंक के, भूमि विकास बैंक के, और जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं नेशनल बैंकें हैं उनके लिए हमने कह रखा 2 लाख रुपए तक कर्जे एनपी जिनका हो गया उन सबके कर्जे माफ करेंगे, उन बैंकों पर भी करेंगे हम लोग। आप क्या हमने कहा 2 रुपए प्रति लीटर दूध का बोनस सरकार अलग से देगी कि पशुपालकों की जेब में एक्स्ट्रा पैसा जाए, प्रति लीटर 2 रुपए हमने देना शुरू किया है। पानी के बिल अब नहीं आएंगे आपके यहाँ, पानी के बिल खत्म कर दिए हमने, निःशुल्क पानी मिलेगा गाँव के अंदर, ये मैंने कह दिया है। दवाइयाँ ए भाई बोलने देना, दवाइयाँ जो है पहले मैं मुख्यमंत्री था दूसरी बार, इस बार आशीर्वाद आपका था मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाऊं, पर दूसरी बार बना मैं तो मैंने 600 दवाएं फ्री करी थी। अब मैंने कहा है कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती, कैंसर की, हार्ट की और किडनी की, लंबा इलाज चलता है, ये तीनों दवाएं फ्री मिलेगी, ये हमने आदेश जारी कर दिया राजस्थान के अंदर। 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, कुओं पर बिजली के कनेक्शन है, 5 साल तक दरें नहीं बढ़ेगी, 1 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे, आदेश जारी हो गए, काम चालू है, आधे से अधिक कनेक्शन मिल चुके हैं। आरक्षण जो है एससी एसटी ओबीसी के अलावा 10% आरक्षण जो कानून पास हुआ है राजस्थान में हमने उसको लागू कर दिया, ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। पंचायतों में वसुंधरा जी ने कर दिया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो खड़े नहीं हो सकते, हमने कहा ये आपके गलत कदम है। एमएलए एमपी बन सकता है अनपढ़ आदमी जो कानून बनाता है दिल्ली में जाकर के और जयपुर में, तो पंचायत ही करना तो आसान है गांव के अंदर, वो अनपढ़ क्यों नहीं बन सकता? एमएलए एमपी बन सकता अनपढ़, सरपंच नहीं बन सकता, वार्डपंच नहीं बन सकता, हमने वहां पर हटा दिया है, अब कोई व्यक्ति खड़ा होकर के बन सकता है पंचायत में, ये कर दिया। गरीब ज्यादा है, बीपीएल वाले स्टेट बीपीएल वाले 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चावल, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी ने बहुत क्रांतिकारी काम कदम किया था, अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी, शिक्षा का अधिकार दिया आपको, सूचना का अधिकार दिया, नरेगा दिया, रोजगार मांगोगे तो मिलेगा आपको, पिछली सरकार ने 9 लाख संख्या रखी, आज में 30 लाख लोगों तक तो संख्या बढ़ा दी है। सचिन पायलट जी हमारे मंत्री ग्रामीण विकास के पंचायत राज के 30 लाख तक नरेगा में सर्वे काम लग गए हैं। इस प्रकार से हमने बड़े बड़े फैसले किए हैं, कोई कमी आने दी नहीं है। तो इस प्रकार से आने वाले वक्त में 23 तारीख को परिणाम आएगा, उसके बाद देखना आप जो
इसकी में राहुल गांधी ने बनाई है न्याय की, 6,000 रुपये प्रति परिवार गरीबों के महिला के नाम पे खाता होगा उसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष जाएगा खाते के अंदर, 72,000 रुपये होंगे प्रति वर्ष होंगे, जिससे कि उन परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ सके। और जब खर्च करने लगेंगे तो दुकानों के अंदर माल की मांग बढ़ेगी, माल का उत्पादन होगा तो फैक्ट्रियाँ और तेज चलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। इस प्रकार से बड़ी योजना लेके आए हैं और भी हेल्थ के लिए भी कह रहे हैं वो कि हेल्थ का भी अधिकार मिलना चाहिए व्यक्ति को, हेल्थ अच्छी रहे, सरकार उसको सुविधा दे पूरी, ये हमारी कोशिश है, राइट टू हेल्थ। और एक तो और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि किसानों के लिए अलग से बजट, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, किसानों की आत्महत्याएं हो रही है, कभी ओलावृष्टि, कभी अंदर, कभी भाव कम हो गए फसलों के, कभी प्याज फेंकते हैं, कभी लहसुन फेंकना पड़ता है, कभी टमाटर फेंकने पड़ते हैं, तो किसान की माली हालत खराब हो जाती है। बजट अलग पेश करना एक ऐतिहासिक कदम होगा देश के अंदर, बजट किसानों का अलग बजट, रेलवे का बजट अलग होता था, उस ढंग के किसानों का अलग बजट की बात की गई है, वो इतना बड़ा फैसला जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में किसानों की बजट पर बहस होना, 542 MP बहस करेंगे, उससे कई बार निकल के आएगी नई नई बातें, आप सोच सकते हो कितना बड़ा फैसला हुआ कोई सोच नहीं सकता किसानों के हित के अंदर। इस प्रकार से कई फैसले किए गए हैं, मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको धन्यवाद दूंगा, आपसे अपील करूंगा, ये सीट हमें निकालनी बहुत जरूरी है। आपसे मेरी गुजारिश है आप हमें आशीर्वाद दो, कामयाब करो और आप निश्चिंत रहो 23 मई के बाद में हमारी सरकार घोषणा पत्र जारी किया हम लोगों ने, उसके आधार पर हम लोग फैसले करने लगेंगे, आपको सुशासन देंगे, विकास भागीदार बनेंगे, आपको कोई परेशानी आएगी तो आप अपने सोलंकी जी को कहिएगा उनको हल करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। चलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चाकसू से आप लाइव सुन रहे थे, जिन्होंने दौसा प्रत्याशी सविता मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्होंने जनता से वोट की अपील की है और साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें सिर्फ और सिर्फ बोलने में उस्ताद बताया है।